मॉडल आया था एक एडिडास में और इसकी एमआरपी 18,000 रुपए थी। अच्छा 18,000 रुपए इसकी। और आप ये कितने की दे रहे हो वाली? मैं ये भी फ्लैट 1000 में लगा हुआ। कभी अगर फर्स्ट कॉपी भी लेने जाओगे तो ये भी आपको 2 से 2.5 हज़ार रुपए मिलेगी, बट यहाँ ओरिजिनल 1000 रुपए की मिल रही है। ओरिजिनल है ना, और इसकी भी कॉस्ट 1000 रुपए। जितने शूज दिखा रहा हूँ 100% ओरिजिनल होंगे। मैं आपको ये माल दिखाता हूँ, कोई ओल्ड आर्टिकल नहीं है, 2019 का। आप देख सकते हो 2000 रुपए रेट है इस जींस का, बट ये आप दे रहे हो 380 रुपए का। पाना नरेला रोड है तो मैं बता दूं, ये नरेला वाला शॉप नहीं है, मैं पहले बता दूं। 600 भाई, 500 रुपए, 550 रुपए की गाइज आपको ऐसे स्वेट अपने लिए ये वाला ले रहा हूँ जो कि आप देख पा रहे हो। फाइनल ये तीसरा मैंने ये सेलेक्ट किया अपने लिए। तो गाइस दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज मैं बता दूं कि आज मैं जा रहा हूँ कुछ क्लोथ्स खरीदने के लिए, क्योंकि गाइज आप सबको पता है विंटर आने वाला, तो मैंने सोचा अभी से बाय कर लेता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी कम प्राइस में मिलेंगे, अभी सारे लेटेस्ट आर्टिकल होंगे। क्योंकि अगर गाइज मैं बाद में जाऊँगा लेने के लिए लाइक अक्टूबर या नवंबर में, तो आधे से ज़्यादा यार जो नए आर्टिकल आते हैं वो ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी जाऊँ और आप सबको भी दिखाऊँ कि गाइज मैंने क्या क्या चीज़ें बाय किया वहाँ से, वो काफ़ी कम प्राइस में। लाइक आप समझ रहे हो गाइज 18,000-19,000 के जो शूज़ है गाइज, ओरिजिनल नाइकी के 1000 रुपये के, मतलब जितने भी शूज़ होंगे वहाँ पे सब 1000 रुपये के होंगे, आप समझ रहे हो गाइज। वो भी ओरिजिनल ब्रांडेड बॉक्स पैक, साथ में ओरिजिनल बिल के साथ। तो गाइज आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। बाकी गाइज एक चीज़ और मैं बता दूँ, तो ये जो मेरी स्कूटी गाइज, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नई चीज़ें लगवाई, जो आपने देखा होगा एक्सीडेंट वाले मोबाइल वाली वीडियो में किसकी क्या हालत थी, तो इसके अंदर मैंने कुछ अपडेट करवाया जो कि मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। सो या बाकी चलते गए जिस जगह की मैं बात कर रहा था। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा था, तो मैं फाइनली पहुंच गया उस जगह पे। जैसे कि आप यहाँ पे आउटलोड देख सकते हो गाइस, कितना सेक्सी है, देख रहे हो आप। तो आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे पैंट के जिप से लेके पेन की नीब तक हर एक चीज़ है, लाइक शर्ट, पैंट, परफ्यूम, वॉचेस, शूज़, फिर थोड़ा कैजुअल शूज़, कपड़े, फिर विंटर के, स्पोर्ट्स के, सब कुछ है। आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ये बवाना नरेला रोड है, तो मैं बता दूँ ये नरेला वाला शॉप नहीं है, मैं पहले बता दूँ, ये कुछ और है जो कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ। सो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सो बाकी अब मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ शूज़ से पहले। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे सेल्स मैनेजर से मिलवा देता हूँ शॉप के, जो कि आपको सारी चीज़ें बता देंगे एक एक करके। हेलो भाई, क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी सर? मैं आपको दिखाऊंगा सबसे सस्ता फुटवेयर, सारे 100% ओरिजिनल होंगे, ब्रांडेड होंगे, विद गारंटी मिलेगा कि 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, मतलब 100% ओरिजिनल होगी, मतलब कोई फर्स्ट कॉपी का कुछ है नहीं? नहीं सर। और मैंने सुना है कि जो शूज़ 18,000 रुपए तक के, वो भी 1000 रुपए के मिल रहे हैं। आपको दिखा देना चाहता हूँ, जिसकी एमआरपी 10,000 हो चाहे 5,000, उससे डिपेंड नहीं करता, फ्लैट रेट देता हूँ कि हाँ फुटवेयर में। अच्छा, कोई से भी इनमें से आप कोई भी नाइकी, रिबॉक, एडिडास, प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स में से कोई भी पिक एनी एक शूज लेते हो, तो उसकी जो भी एमआरपी उससे में मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब अगर इस पे 10,000 रुपए भी रेट लिखा होगा ओरिजिनल प्रिंट, तो वो भी आप 1000 रुपए में दे रहे हो? जितने मेरे पीछे लगे सारे। अच्छा, 1000 रुपए के अंदर है। तो जैसे इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? जैसे ये वाली शूज है एक्चुअल, ये रनिंग शूज है ना? हाँ जी भैया, स्प्रिंग मॉडल आया था एडिडास में और इसकी एमआरपी 18,000 रुपए थी। अच्छा, 18,000 रुपए इसकी। और आप ये कितने की दे रहे हो वाली? भैया ये भी फ्लैट 1000 में लगा हुआ है, मतलब 1000 रुपए की, जबकि 18,000 रुपए वाली शूज ये भी 1000 रुपए में। हाँ जी भैया, देखिए बाकी गाइस आप ये देख सकते हो नाइकीज में, और भी है यहाँ पे गाइस, आप लिवाइज में देख सकते हो, और भी बहुत सारे नाइकी है लेटेस्ट आर्टिकल भी मिल जाएंगे इसी के अंदर आपको। अच्छा, ये 2020 का आर्टिकल है? 20 और 19 दोनों के मिल जाएंगे। तो गाइस आपको ये 20 का आर्टिकल भी 1000 रुपए का मिल जाएगा, इसकी भी एक्चुअल कॉस्ट 7,000 से प्लस होगी भैया, 4,000-5,000 रुपए ऐसे एमआरपी है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ नाइकी जैसे बड़े ब्रांड्स के अंदर भी, वो ये भी ओरिजिनल है ना, और इसकी भी कॉस्ट 1000 रुपए। जितने शूज दिखा रहा हूँ 100% ओरिजिनल होंगे, विद गारंटी है कि 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है। ये 2019 के मॉडल है गाइस, इस पे भी फ्लैट 1000 रुपए है। हाँ जी भैया, फीचर जैसे बड़े ब्रांड्स के अंदर शूज दिखा रहा हूँ, जिन पे आप स्टोर पे जाओगे 10-20% मिलेगा। तो गाइस आपको ये भी अगर इसका फर्स्ट कॉपी भी लेने जाओगे, तो गाइस अगर आप इसका भी अगर फर्स्ट कॉपी भी लेने जाओगे, तो ये भी आपको 2 से 2.5 हज़ार रुपए की मिलेगी, बट यहाँ ओरिजिनल 1000 रुपए की मिल रही है। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे कितने सारे शूज है, और हर एक शूज का प्राइस अराउंड 1000 रुपए, जबकि एक्चुअल कॉस्ट इन सब पे 18,000-12,000-6,000 ऐसे लिखा हुआ है, और टैग से तो कोई मतलब ही नहीं इनका, सीधा फ्लैट रेट 1000 रुपए, समझ रहे हो? सारे 100% गाइस ओरिजिनल है, तो आप ले सकते हो, मैं भी यहाँ पे इसीलिए आया हूँ। बाकी आप देख लेना, मैं बाकी और चीजें दिखा देता हूँ जो कि इस यहाँ की सबसे बेस्ट चीज है। मतलब एक एमआरपी के शर्ट पे आप 4 शर्ट दे रहे हो, वो भी ब्रांडेड ओरिजिनल है ना? और गाइस आप देख रहे हो सारे लेटेस्ट आर्टिकल है, जैसे गाइस आप देख सकते हो ये ओनली एंड सन्स का है। सो या बाकी आप इधर देख सकते हो, इधर आपको जींस भी मिल जाएंगे, जो कि गाइस आप देख रहे हो सारे ब्रांडेड जींस है ना। गाइस आप देख सकते हो ये सारे 100% ब्रांडेड है। अच्छा, स्पाइकर, वाओ,
तो गाइस आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं यहां पे, स्टोर क्या अच्छी है यार, आपको आप ही बताओ। इसी तरह में भैया मैं पेपे की डीएम दिखा रहा हूं आपको, पेपे देखा नहीं होगा ना आपने, समझ रहे हो आप, पेपे भैया बता रहे ली जैसे ब्रांड आपको 500 रुपीस की जींस पड़ेंगे, आप समझ रहे हो भाई, अगर आप जैसे आप देख रहे हो तो ब्लैक 500 रुपीस रेंज है इसका, 500 रुपीस और ली का है ना, और ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट कितना है इस पे भैया, अलग अलग के कॉस्ट है, इसकी एमआरपी 2600 आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो गाइस 2600 रुपए इस पे, आप समझ रहे हो, और ये आपको 500 रुपीस का पड़ने वाला है। तो गाइस आप एक बार ये जींस देख रहे हो, ये भी ओरिजिनल गाइस है, ये वाले आपको 380 रुपए की पड़ने वाली है, जो कि गाइस आप देख पा रहे हो ये भी ओरिजिनल है, ये भैया आज से 10 साल पहले इसकी क्या कॉस्ट है, अच्छा आज से 10 साल पहले, हां जी, और इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, रफ एंड टफ भैया, तो गाइस 2000 रुपए रेट है इस जींस की, माल दिखाता हूं, कोई ओल्ड आर्टिकल नहीं है, 2019 का, आप देख सकते हो 2000 रुपए रेट है इस जींस का, बट ये आप दे रहे हो 380 रुपए का, हां जी होलसेल के अंदर 380 रुपए का पड़ेगा। तो गाइस बाकी आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, लिवाइज हो गया, ली हो गया, फिर तुम्हारा यहाँ पे एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, फिर और भी बहुत सारे ब्रांड है जो कि आपने देखा, वर्मडो हो गया, फिर ओनली इन सन्स हो गया, सबके आपको जींस विंस मिल जाएंगे, और आपको जींस 380 रुपए का, आप सोच रहे हो गाइस जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 2500 से 3000 रुपए, वो भी उस टाइम के ब्रांड जो कि जब अक्षय कुमार साहब 10 साल पहले करते थे वो ब्रांड, और उसके भी लेटेस्ट मॉडल, ये नहीं कि आपको उस टाइम 10 साल पहले के दिखा रहे हैं जींस, सिर्फ 380 रुपए का। तो गाइस बाकी अब विंटर आने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है, तो मैं आपको विंटर का भी दिखा देता हूँ, तो इससे आपका कोई घाटा नहीं होगा गाइस, अगर आप विंटर में भी लेने आते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो मैं आपको विंटर का दिखा देता हूँ यहाँ पे, सो यहाँ आप देख सकते हो ये पेपे जींस के आपको मिल जाएंगे, तीन चार कलर वैरायटी मिल जाएगा, बाकी मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ, माल तो बहुत सारा है इसमें, तो बहुत आर्टिकल होंगे, मतलब 1000 से प्लस ही होंगे, चार चार पांच पांच कलर अवेलेबल है, रेंज कलेक्शन मिल जाएगा आपको इसके अंदर। इसी तरह मैं प्यूमा गाइस आपको इसमें हुडीज भी मिल जाएंगे, हुडीज वाले प्यूमा के, ये भी ओरिजिनल है ना, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कोई कॉपी नहीं, कोई सरप्लस नहीं। और इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रही है भैया, इसमें अपना फ्लैट कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप होलसेल में लोगे तो उसका अलग प्राइस है, रिटेल का मैं, हाँ तो होलसेल का बता दो एक बार पहले, होलसेल में भैया मेरे पास क्या है, जिपर और जो राउंड नेक, उसके दो कैटेगरी बना रखी है, राउंड नेक लेते हो तो 500 से 550 पड़ता है, और होलसेल में अगर आप कोई जिपर या हुडी लेते हो तो 550 से लेकर 650 तक मिलता है आपको। अच्छा, सर्दियाँ आने वाली है, उसके लिए आप मॉर्निंग में जाओगे तो उसके लिए अपर चाहिए, अपर्स की भी वैरायटी आ गई अपने पास, और ये भी सारे ओरिजिनल है ना जी भैया, सरप्लस एक्सपोर्ट सरप्लस आर्टिकल है सारे, अच्छा भी है, 700 भी है, अलग अलग रेंज, मतलब 700 रुपए में ये एडिडास के, मतलब ये जैकेट्स है ना, जो कि एक्चुअल कॉस्ट इनके 2000 से 3000 रुपए, और ये भी ब्रांडेड है गाइस ओरिजिनल, जो कि आप देख रहे हो एडिडास के, ब्रांड है गाइस, आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे काफी सारी चीजें थी जो कि मैंने आप सबको चीजें दिखा दी, और काफी चीजें मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये गाइस विंटर आने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था, और कुछ चीजें मुझे भी बाय करनी थी, तो इसलिए मैं इस बार मैं यहाँ पे आया गाइस, बाकी मैं बता दूं इससे पहले मैं कभी इस शॉप पे नहीं आया, आता हूं यहाँ पे तो ओवरव्यू आप जो भी देखना चाहते हो यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइक परफ्यूम हो गया, या फिर शूज हो गया, जींस हो गया, बैग हो गया, जॉगर्स हो गया, कैफ्री हो गया, शॉर्ट्स हो गया, मतलब हर एक चीज़ें, इवन गर्ल्स के भी है और इवन बच्चों के लिए भी है, जो कि गाइज आप देख पा रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देख लेना गाइज, एक मैं अपने लिए ये वाला ले रहा हूँ जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, है ना, सो या बाकी और मैं देखता हूँ मैं क्या यहाँ से पसंद करता हूँ, जो कि आपको आने वाले मेरे वीडियोज में मिल जाएंगे, बाकी एक ये वाला मैंने ये वाला लिया है फ्रेंच फ्राइज होगा, जो कि आप ये देख पा रहे हो, ये भी सेम वैसे ही है, बाकी थर्ड एक और मैं पहन के दिखा देता हूँ, जो कि आप मेरे को बताना कि कैसा लग रहा है। तो गाइज़ ये फाइनली ये तीसरा मैंने ये सेलेक्ट किया अपने लिए, जो कि आपको आने वाले वीडियोज़ में मिल जाएगा, तो मेरे को बताओ ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, तो एक मैं ये लेने वाला हूँ, तो बाकी तो कुछ नहीं कहूँगा गाइज, बाकी और दिखाऊँगा अगर मेरे को कुछ पसंद आया तो, बाकी मैं घर पर दिखाऊँगा, ठीक है। तो गाइज़ अब मैं अभी यहाँ पे इनके गोडाउन जा रहा हूँ गाइज़, तो इन्होंने बताया कि इनका गोडाउन भी है, तो इसलिए शायद इतना सस्ता देते क्योंकि बगल में गोडाउन है इनका, ये कोई मैं भवाना रोड नड़ेला सब नहीं आया होगा, इसमें बता दूँ ये मैं यहाँ पे 2018 में आया था शायद, मेरे को याद है आज से 2.5 साल पहले यहाँ पे आया था, वो भी इस शॉप पे नहीं आया था, वो शायद उत्तम नगर ईस्ट में था, तो इसीलिए सोचा मैंने आज इसका पार्ट टू बना दूँ। दोस्तों अब मैं इनके गोडाउन में आ चुका हूँ, जो कि गाइज़ आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत अंदर तक गाइज़ पूरे कपड़े कपड़े, जो कि आप अंदर वाला रूम भी देख रहे हो, तो गाइज़ पूरा भरा पड़ा है गाइज़, इसके अंदर आपको सारे विंटर्स के कपड़े मिल जाएंगे, जो कि अभी आउटलेट सारे लगाएंगे और बहुत सारे होलसेल के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अगर आप किसी भी अलग रास्ते भी, तो गाइज़ आप यहाँ से बाय कर सकते हो होलसेल एंड रिटेल दोनों में। इधर एक और गोडाउन है जो कि आप देख पा रहे हो, तो भैया यहाँ के बारे में कुछ चीज़ें बताओ। भैया जी मेरे पास बहुत सारी स्वेटशर्ट्स आ गई हैं, जैसे बताया था हमने विंटर आइटम आ गए हैं, मतलब अच्छा, तो इसकी क्या कॉस्ट होगी भैया? भैया होलसेल में तो 550 600 भाई, 500 रुपये, 550 रुपये की गाइज आपको ऐसे स्वेटशर्ट्स मिल जाएंगे। गाइस दोस्तों अब तो मैं उस जगह से आ चुका, तो गाइस मैं बता देता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें खरीदा, वैसे तो आपने दो चीज़ देख ली जो मैंने वहाँ पे ट्राई किया था, तो वो दो चीज़ मैंने खरीदी थी, बाकी गाइस मैंने एक ये वाली शर्ट खरीदी जो कि आप देख सकते हो ये वाली, तो आपको मैं एक बार इसे पहन के दिखा देता हूँ, एक सेकंड।
तो गाइज आप देख सकते हो ये वाली वो शर्ट है, ये वाली मेरे को शर्ट ज़ारा की गाइज अगर आप देखोगे तो आपको ये कम से कम 1100-1200 की मिलेगी, बट गाइज ये मेरे को 400 रुपीज़ की पड़ी है, ज़ारा की ओरिजिनल है गाइज ये, तो आप देख सकते हो ये खरीदी मैंने। बाकी गाइज एक ही हुडी खरीदी येलो कलर की, जो कि अभी ठंड में भी तो कोई काम नहीं है इसका। बाकी एक स्पोर्ट्स जिम जाता हूँ तो उसके लिए मैंने एक ये खरीदी एडिडास की, ये भी गाइज ओरिजिनल है। सो ये तीन चीज़ें और दो मैंने वो वाली खरीदी जो कि आपने वीडियो में देखा। तो वैसे आप भी यहाँ से बाय कर सकते हो, ये काफ़ी बेस्ट प्लेस है बाय करने के लिए। आप मेरी तरफ से आओगे तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो आपको एड्रेस मोबाइल नंबर सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी गाइस अब मैं दिखा देता हूँ मैंने स्कूटी में क्या क्या चीज़ें चेंज करवाई और अब पहले और अब में क्या अंतर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस क्या क्या चीज़ें बदलवाए। तो पहले आप गाइस ये देख सकते हो, ये जो नंबर प्लेट है इसका मैंने फ्रेम लगवाया है दोनों आगे और पीछे दोनों, क्योंकि ये जब भी यार एक पुलिस वाला था जब मैंने मास्क नहीं पहना था तो मेरा 100 रुपये का चालान काट दिया, तो इसको मोड़ दिया था पकड़ के, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर फ्रेम लगा देता हूँ तो इस पर डंडा वंडा नहीं मारेगा। बाकी गाइस यहाँ पे मैं जाके टकराई थी तो ये भी टूट गया, यहाँ पे पूरा टूट गया था, तो मैंने यहाँ पे टेपिंग करवा दी जो आप देख रहे हो उसको ठीक करवा के। बाकी गाइस आप इधर आ जाओ, आप देख सकते हो ये पूरा टूट चुका है जो कि आप देख सकते हो। बाकी गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये प्लेट लग गया क्योंकि हट रहा था यहाँ से, ये पूरा अब ये हटेगा नहीं, अब इसमें लात भी मार रहा हो तो अब ये यहाँ पे अटक चुका है जो कि गाइस आप देख पा रहे हो। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे ग्रिप लगा दिया ये लेदर का, जिससे पसीना आता था तो यार ढंग से ग्रिप नहीं पकड़ पाती थी। बाकी यहाँ पे ये लगा दिया पूरा, एक इधर भी ये लगा दिया पूरा, टेपिंग करवा दी इस टाइप का कलर से ताकि ये ब्लू रोशनी देता है अंधेरे में। बाकी गाइज आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी ये नंबर प्लेट मैंने इस डिज़ाइन में लगा दिया जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज यहाँ पे मैंने वो लगा रखा था एम सील, जो कि उसको छोड़ के इन्होंने पूरा पेंट कर दिया और बिल्कुल न्यू कर दिया इधर। बाकी यहाँ पे ये लगा दिया, ये पहले मैट नहीं था, मैट था ही नहीं शायद, ये नहीं था गाइज, ये पूरा यहाँ से पूरा घिस गया था। बाकी गाइज आप मेन चीज़ देख सकते हो, पूरा घिस चुका था इधर जो कि आप देख रहे हो, जिसमें ओरिजिनल एंटोर की इधर भी स्टिकर लगा दी इन्होंने और एक इधर भी स्टिकर लगा दी जो कि गाइज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और ये पूरा ये डिज़ाइन से अलग से टेपिंग की गई है एक्स्ट्रा जो कि आप देख रहे हो, इसको यहाँ से ढंग से चिपकाना पड़ेगा। ये गाइज तो आपने गाइज देख लिया होगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज करवाया। बाकी गाइज मैं इसको रैप करवाऊंगा बहुत जल्दी, मेरा नया चैनल जल्दी जब चालू करूंगा तो उसी पर डालूंगा, तो उसी टाइम पर रैप करवाऊंगा, क्योंकि अभी तो यार लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे ऑडियंस आ नहीं रहे, तो मैं उसका कुछ मैंने सोचा आगे वो आपको मैं फ्यूचर में ही बताऊंगा जब लॉकडाउन प्रॉपर से खुलेगा, मतलब एक तरह से ऑडियंस बाहर निकलने लग जाएगी। बाकी गाइस ये वीडियो यहीं तक था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।